पूरी तरह से कर्ज माफी सहित कई अन्य मांगों को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले महाराष्ट्र के हजारों किसान नासिक से मुंबई की तरफ कूच कर गए हैं। किसानों ने 180 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत मंगलवार को नासिक के CBS चौक से की और ये यात्रा 12 मार्च को मुंबई पहुंचेगी और किसान महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करेंगे। किसानों की मांग है कि उनके पूरे कर्ज के साथ साथ उनके बिजली के बिल को भी माफ किया जाए, साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने की मांग शामिल है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर सुपर हाईवे और बुलेट ट्रेन के लिए खेती लायक जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण ना करे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल जून में 34,000 करोड़ की कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक करीब 1753 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा ना करके उनके साथ धोखा किया है।